हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुमन किचन एंड लाइफ स्टाइल। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हैप्पी मंडे। ये देखिए फ्रेंड्स, आज मंडे का दिन है और हम यहाँ पे मंदिर में आए हैं। और ये बलिया का बहुत ही नामी मंदिर है, ये बालेश्वर मंदिर है। और तो हम यहाँ पे पूजा करने हर सोमवार को आते हैं फ्रेंड्स। तो हम लोग पूजा कर रहे हैं, देखिए काफ़ी सारी यहाँ पे लोग आते हैं पूजा करने के लिए। और ये मंदिर यहाँ का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। तो मैंने शिव जी का पूजा कर लिया, पार्वती जी का भी हो गया, अब मैं गणेश जी का कर रही हूँ। और फ्रेंड्स, हर मंडे को हम यहाँ पे पूजा करने आते हैं और दिया जलाते हैं शिव जी के यहाँ। और जब मैं जिस दिन नहीं आती हूँ, जिस मंडे को मैं नहीं आती हूँ, तो मेरे हस्बैंड आके दिया जलाते हैं। तो देखिए अब मैं दिया जलाऊँगी, पूजा हो गया हमारा। और यहाँ पे आने पे मंदिर में बहुत ही शांति महसूस होती है फ्रेंड्स। और अभी तो सावन आने वाला है, यहाँ बहुत ही अच्छा सा मेला लगता है और बहुत अच्छा से लोग पूजा करने आते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे। तो मैं अगर आऊँगी सावन में तो आपको ज़रूर दिखाऊँगी। अगर क्या मैं आऊँगी ज़रूर मंडे को, तो मैं ज़रूर आप लोग को दिखाऊँगी। और यहाँ पर बहुत भीड़ लगती है। तो हमारा पूजा हो गया, मैं आरती कर लूँगी और दिया जला के फिर हम लोग घर जाएंगे। और शिव जी का पूजा करने के बाद इनका पूजा जरूर करना चाहिए। और जो भी आपको मन्नत मांगना है इनके कान में मांगेंगे तो वो मन्नत जरूर पूरा होती है जल्दी से जल्दी, ऐसा ही सब लोग कहते हैं। और यहाँ पे बजरंगबली का मैं पूजा कर रही हूँ और हो गया हमारा पूजा। अब हम अपने दिया को यहाँ पे रख देंगे। देखिए ऐसे ही काफ़ी सारे दिए रखे हुए हैं, सब लोग दिया जलाते हैं बट ऐसे ही रख देते हैं ठीक मंदिर के बाहर। चलिए अब हम घर चलते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। और यहाँ पे हम घर आ गए हैं और घर आने के बाद मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, तो जल्दी जल्दी बनाना है फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं पोहा बना रही हूँ और देख लीजिए पोहा के लिए जो भी मैंने लिया हुआ है। मैं ये आलू पोहा बना रही हूँ इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और बहुत सारे वेजिटेबल के साथ मैं बना रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, आपके पास अगर वेजिटेबल नहीं है तो आप सिर्फ आलू से भी बना सकते हैं, आलू प्याज से भी ये रेसिपी बहुत अच्छी बनती है। तो यहाँ पे देखिए मैंने सरसों का तेल 2 चम्मच डाल दिया है, करी पत्ता डाल दिया है, थोड़ा सा राई डाल दी हूँ और 2 सूखी मिर्च डालूँगी, लाल मिर्च, और थोड़े से हरी मिर्च डालूँगी जो मैंने बहुत ही बारीक चॉप कर लिया था। अगर आप हरी मिर्च नहीं खाते हो तो नहीं डालिएगा, तीखा ज़्यादा नहीं खाते हैं तो हम लोग तो खाते हैं। फिर हम आलू डाल दिए हैं और आलू को मैंने देखिए बहुत ही पतला पतला स्लाइस में काटा है। और इसके बाद आलू डालने के कुछ ही देर बाद, 2 मिनट बाद मैंने ये गाजर डाल दिया है। गाजर और आलू मैं पहले डाली हूँ ताकि ये थोड़ा सा कड़ा होते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर चना फुला के रखा था फ्रेंड्स, तो ये चना भी मैं डाल दी हूँ। आज मैं बादाम नहीं डाली हूँ, सॉरी मूंगफली नहीं डाली हूँ, तो चना से ही मैं बना के दिखा रही हूँ ताकि आप लोग को ये बहुत ही हेल्दी बना था और बहुत ही टेस्टी बना था। तो तीनों चीज़ कड़े होते हैं, चना, आलू और गाजर, तो इन सबको मैं पहले फ्राई कर लूँगी, उसके बाद थोड़ा सा मैं नमक डाल दूँगी अपने स्वाद के अकॉर्डिंग। और ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी और बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी है ये आलू पोहा, बहुत अच्छी लगती है। और थोड़ा सा मैं हल्दी पाउडर डाल दी हूँ। अब मैं अपना प्याज डालूंगी और प्याज भी मैंने बहुत ही बारीक चॉप किया है और मैंने हाथ से ही चॉप किया है। प्याज के साथ ही मैं टमाटर भी डाल दूंगी, 1 बड़े साइज का टमाटर मैं ले ली हूँ और सबको मैं अच्छा से फ्राई करूंगी। और हमारे घर में पोहा सबको पसंद है, बहुत ज़्यादा सब लोग पसंद करते हैं, हमारे बच्चे भी, हस्बैंड भी, हम भी। और यहाँ पे मैं काली मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, तो 2 चम्मच मैंने काली मिर्च पाउडर डाला है, ये डालना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही इसमें टेस्ट आता है इससे। और इसके बाद सारा डालने के बाद अब हमारा लास्ट इंग्रेडिएंट था ये शिमला मिर्च, तो इसे भी मैं डाल दूँगी क्योंकि मुझे इसे ज़्यादा फ्राई नहीं करना था इसलिए मैंने सबसे लास्ट में डाला है। और ये नींबू का रस निचोड़ दूँगी, नींबू नहीं है तो आप आमचूर पाउडर भी थोड़ा सा डाल सकते हैं या फिर चाट मसाला भी डाल सकते हैं। और सबको डाल के मैंने मिला दिया और सबसे लास्ट में मैंने 1 चम्मच चीनी डाला है, ये ऑप्शनल है, अगर आपका मन है तो आप डालिए वरना आप स्किप कर सकते हैं, चीनी ये कोई ज़रूरी नहीं है, हम लोग को अच्छा लगता है पोहा में तो मैंने डाला है, ये आपकी मर्जी है।
और इसे सबको हमें अच्छे से मिला लेना है। सब हाई फ्लेम पे ही मैं की हूँ अभी तक। अब इसके बाद में मैं ये पोहा डालूँगी। पोहा को तो आप देखे ही हैं फ्रेंड्स, मैं धो के इसका पानी अच्छा से निचोड़ के और रख दी थी, ताकि एकदम ये 10 मिनट पहले ही मैंने किया था और इसका पानी सब झड़ चुका था। और ये देखिए, इसके बाद इसे मैं डाल दी हूँ और हमारा ये टेस्टी सा ब्रेकफास्ट बन के तैयार हो गया है। बहुत यम्मी और स्पाइसी टेस्टी ये हमारा आलू पोहा बन के एकदम रेडी है खाने के लिए। तो आज की ये वीडियो अगर अच्छी लगी होगी आप लोग को ब्रेकफास्ट रेसिपी, तो ज़रूर हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा हमारा ये पोहा की रेसिपी। और कमेंट करना नहीं भूलिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग चलते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। और देखिए इसका कलर टेक्सचर कितना अच्छा आया है। वैसे भी ये पोहा बहुत ही हेल्दी ऑप्शन होता है और बहुत जल्दी बन जाता है। आपने देखा ही, मैं पूजा करके आई और जल्दी जल्दी सारे चीज़ों को चॉप किया और बना लिया। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, आई लव यू, बाय बाय।